एंजाइम्स वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे रिएक्शंस को बूस्ट अप करते हैं। एंजाइम्स रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं जिससे इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। रिएक्शन के एंड में ये अनचेंज रहते हैं जिससे इन्हें रीयूज भी किया जा सकता है। एंजाइम्स कई तरह से काम करता है। कुछ एंजाइम्स बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, वहीं दूसरे एंजाइम्स छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं और कुछ एंजाइम्स एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो एंजाइम्स काम कैसे करते हैं? एंजाइम्स सबस्ट्रेट्स की तरह से काम करते हैं। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट हमेशा मूव करते रहते हैं। सफिशियंट स्पीड और करेक्ट ओरिएंटेशन होने से ये कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं। एक्टिव साइट पे उनके बीच इस तरह का कोलिजन होने से सबस्ट्रेट्स एंजाइम्स में फिट बैठ जाते हैं। कोलिजन थ्योरी के मुताबिक किसी रिएक्शन के शुरू होने के लिए कोलिजन का सफिशियंट एनर्जी के साथ करेक्ट ओरिएंटेशन में होना जरूरी है। एंजाइम्स का स्पेशल शेप होता है। एक्टिव साइट्स पे इनका कांटेक्ट सबस्ट्रेट से होने पे रिएक्शन शुरू हो जाती है। लॉक एंड की मैकेनिज्म थ्योरी के मुताबिक एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। सबस्ट्रेट्स के एक्टिव साइट में होने पे रिएक्शन शुरू हो जाती है। रिएक्शन के रिजल्ट में हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है और एंजाइम्स फ्री हो जाते हैं। इस एग्जांपल में एंजाइम सबस्ट्रेट्स को दो छोटे प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर रहा है। ये प्रोटीएज हो सकता है जो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज या लाइपेज में ब्रेक करता है। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है। रिएक्शंस के प्रोडक्ट में यूजुअली हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। ये हार्मफुल केमिकल होता है, लेकिन एंजाइम्स इसे हार्मलेस वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम्स इस तरह मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। ये प्रोसेस भी पहले जैसी होती है। एंजाइम्स सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स ऑप्टिमम कंडीशन यानी अनुकूल अवस्था में इफिशियंटली काम करते हैं। पहली कंडीशन यह है कि उनके आसपास सफिशियंट सबस्ट्रेट होना चाहिए। रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए एंजाइम्स के आसपास सबस्ट्रेट्स के सफिशियंट कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इनसफिशियंट होने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। कई बार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने से एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के आपस में कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो हायर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये जरूरी है कि प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए। एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर कंडीशन भी होती है। किसी फिक्स्ड पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। हालांकि फिक्स्ड लिमिट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिनेचुरेशन यानी विकृतीकरण के कारण रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करने लगती है। एंजाइम्स पे पीएच वैल्यू और टेम्परेचर के इफेक्ट को हम अपने वीडियो डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स में देखेंगे। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू और टेम्परेचर वो कंडीशंस हैं जिन पे एंजाइम्स इफिशियंटली काम करते हैं। स्टमक के एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ऑप्टिमाइज्ड रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सफिशियंट एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स एक्टिव साइट पे लॉक इन की मैकेनिज्म के मुताबिक एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। रिएक्शन पूरी होने पे एंजाइम्स प्रोडक्ट से अलग हो जाते हैं जो बाद में रीयूज किए जाते हैं। एंजाइम्स पीएच और टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। रिएक्शन ट्रिगर होने के लिए एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स की सफिशियंट कंसंट्रेशन का होना जरूरी है। एंजाइम्स न केवल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और प्रोटीन सिंथेसिस जैसी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बल्कि हम उनका यूज अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। प्रोटीन और लाइपेज एंजाइम्स का यूज बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर में किया जाता है। ये कपड़ों के स्टेन से प्रोटीन्स और फैट्स को रिमूव करते हैं। एंजाइम्स का इस्तेमाल फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में भी किया जाता है। पेक्टिनेज का इस्तेमाल जूस बनाते समय सेल्स और फ्रूट्स को ब्रेक करने में किया जाता है।